एक और अहम मामला, अडियाला जेल में कैदियों से गैर इंसानी सलूक की बाजगश्त। कौमी असेंबली की कायमा कमेटी इंसानी हकूक कमेटी में पहुंच गई है। जेल में मंशियात की बासानी फराहमी का भी इंकशाफ हुआ है, जबकि कौमी इदारा बराए इंसानी हकूक की हिदायत पर 7 अफराद को नौकरी से फारिग कर दिया गया है। रिपोर्ट कमेटी में पेश कर दी गई है। इस्लामाबाद से इसी पर आपको दिखाते हैं उस्मान जावेद की रिपोर्ट। रावलपिंडी की अडियाला जेल जराइम पेशा अफराद का कैदखाना ही नहीं, मनशियात फरोशों की जन्नत भी बन गई। कौमी इदारा बराए इंसानी हकूक की सरबराह ने हाथ खड़े कर दिए। कौमी असम्बली की इंसानी हकूक कमेटी के इजलास में बताया कि जेल अफसरान तो इंतहाई बासर हैं, उनकी सिफारिश ऊपर तक है। जेल के बहुत सारे मसले होते हैं, टॉर्चर इज वन एस्पेक्ट, लिविंग कंडीशंस की एक बहुत बुरा हाल है, मंशियात का ये इशू है कि लोग बाहर जाते हैं मुलाकात करने तो मुलाकाती उनको दे देते हैं। कौमी इदारा बराए इंसानी हकूक की रिपोर्ट पर अडियाला जेल के 7 अफसरान को नौकरी से बरतरफ, 4 को 90 दिनों के लिए मुअत्तल, जबकि 38 अफसरान का तबादला भी किया गया। कमेटी ने कार्रवाई पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। किसी को डिसमिस करवाया है, किसी को टर्मिनेट करवाया है, किसी को ट्रांसफर करवाया है, लेकिन ये एक सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि एसजी सेट के अडियाला जेल वहाँ पे माफियाज है, वहाँ पे पुलिस का राज है। नादरा हुकाम ने बताया, अगर ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट पर हमसे मशावरत की जाती तो जिन्स की शनाख्त के लिए मेडिकल लाजमी करार देते। नादरा में ट्रांसजेंडर की रजिस्ट्रेशन के लिए कोई कवायदो जवाबित नहीं,